हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SIP के बारे में। SIP क्या होती है और किस प्रकार से ये RD से डिफरेंट होती है, और हम लोग देखेंगे इसमें कि रिटर्न कितना होता है, इसमें रिस्क क्या एसोसिएट है, और साथ में एट द एंड हम लोग ये देखेंगे कि किसमें कितना टैक्स हम लोगों को लगता है। तो ये कम्प्लीट एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है RD और SIP के ऊपर, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो SIP होता है उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और RD का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो RD, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, कि हम लोग बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर पर मंथ बेसिस पे हम लोग कुछ अमाउंट जमा करते हैं। जैसे 1000-2000 रुपये की हम लोग RD स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग पर मंथ 1000-2000 रुपये बैंक को जमा करते जाते हैं, और एट द एंड ऑफ ऐसा होता है कि मेच्योरिटी, यानी कि हम 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो ये मंथली चलता है। ठीक है, मंथली हम लोग 1000-1000 रुपये जमा करा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है हम लोग को एट द एंड 12 महीने के बाद हमको कुछ इसमें रिटर्न मिल जाता है। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर भी सिमिलरली ये भी एक प्रकार का रिकरिंग डिपॉजिट है, बट ये कहाँ पर लगता है? ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगता है, इक्विटी स्टॉक्स के अंदर लगता है, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के अंदर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये हो सकता है रिस्की हो, तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे आज अभी कि किस तरीके से SIP आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है RD के कंपेरिजन में। तो पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपको SIP दिख रहा है, SIP मतलब हम लोगों ने देखा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP क्या है, एक प्रकार की RD है। RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट्स है इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। बट यहाँ पर हम लोगों को कोई प्री डिफाइंड इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसका रेट मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड, RD के अंदर क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स के अंदर ये बैंक और पोस्ट ऑफिस के अंदर हम लोग कर सकते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर आप RD ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर प्री डिफाइंड इंटरेस्ट रेट होता है, लेट सपोज कि 8% का। यहाँ पर पहले से हमको पता होता है कि इतना परसेंट हमको रिटर्न यहाँ पर मिलना है। यहाँ पर जब आप सोच रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि कितना रिटर्न मिलना है, तो हम लोग यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट करें, जब हमको यहाँ पर पता है RD के अंदर के 8% मिलना है। तो ये हम लोगों को भी देखना है कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई एसेट क्लास नहीं है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इक्विटी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखें तो अप्रॉक्सली आपको 15% से 20% के आसपास यहाँ पर रिटर्न मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, हम लोग उसको देखते हैं। SIP जब आप लेते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप इसको वीकली लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं, या 15 डेज के ऊपर लेना चाहते हैं, जैसा भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास RD के अंदर नहीं होती है, RD के अंदर मंथली स्कीम चलती है। ये सिर्फ मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद SIP के अंदर आपको क्या होते हैं, यूनिट्स मिलते हैं, आपको यूनिट्स मिलते हैं। लेट सपोज कि कैसे यूनिट्स मिलते हैं, थोड़ा समझते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर होती है NAV। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू चल रही है, लेट सपोज कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की 10 रुपये, तो यहाँ पर एक यूनिट इसकी 10 रुपये की मिलेगी। तो अगर आपको यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करें आपने, तो आपको 100 यूनिट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अब ये यूनिट का प्राइस है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है, ये कंटिन्यूसली जो है वो मूव करता रहता है। ये कभी 10 से 11 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 13 हो गया। तो आपको यूनिट्स यहाँ पर एट द एंड जब मेच्योरिटी में आपको ये अमाउंट मिलेगा, तो उस समय जो यूनिट आपकी NAV चलती रहेगी, उसकी प्राइस उससे मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, बट यहाँ पर जो है हम लोग RD को जो रिटर्न मिल रहा है 8%, इवन हम इसको इन्फ्लेशन रेट से भी कंपेयर करें तो हमको काफ़ी कम रिटर्न यहाँ पर मिलता है, बट हमारा पैसा और कैपिटल सेफ है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपको रिटर्न है, यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर हाई मिल रहा है, यहाँ पर जो आपका रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी कि टैक्स फ्री आपको रिटर्न मिलता है। और उसके विपरीत अगर हम लोग देखें तो आपको RD के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स लगता है। टैक्स कितना होगा, वो आपकी इंटरेस्ट जो आपकी अदर इनकम में जुड़ जाएगा, वो स्लैब वाइज आपको चार्ज किया जाएगा। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं, आपको साल भर का RD का इंटरेस्ट अगर 5000 मिलता है, तो 5000 के ऊपर 30% फिर टैक्स अलग से लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने 5000 रुपीज़ की RD पर मंथ हम लोग चला रहे हैं, जो स्टार्ट किया हमने 1 सितंबर 2016 से, उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है हमको 8% मिल रहा है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हमको क्या रिटर्न मिलता है, और जो रिटर्न मिलता है उस पर कैसे टैक्स लग रहा है, हम लोग वो भी देखते हैं अभी। तो देखिए, 1 सितंबर को मैंने यहाँ पर RD का अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट होगा 5000 रुपीज़ का, तो अल्टीमेटली जो 12 महीने बाद इसका मुझे रिटर्न मिलना है, वो मिलेगा मुझे 8% के हिसाब से 400 रुपीज़। इसी प्रकार से अगले महीने मेरा वापस से 5000 डेबिट होगा, इस पर मुझे जो रिटर्न मिलना है वो 367 मिलना है। ये मैंने ये इसका मंथ वाइज कैलकुलेट कर लिया। ये 12 महीने का रिटर्न देगा मुझे, ये 11 महीने का देगा, ये मुझे 10 महीने का रिटर्न देगा, ये मुझे 9 महीने का रिटर्न देगा। इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोग देखते हैं कि एट द एंड हम लोगों ने जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया वो कितना किया था, 60,000 के आसपास, और जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2571 का, यानी कि जो मेरा अब टैक्स जो लगना है वो टैक्स किस अमाउंट पर लगना है, वो टैक्स लगना है
571 के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इस पे टैक्स वो लगेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एसआईपी में मुझे कितना रिटर्न मिल पा रहा था। तो फ्रेंड्स एसआईपी के अंदर हम लोग बात करते हैं, एसआईपी के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कोटक सिलेक्ट फोकस फंड डायरेक्ट प्लान डिविडेंड प्लान है ये वाला। तो ये हमारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, इसके अंदर हमारी एसआईपी होती है। तो देखिए इसका एनएवी मैंने आपको बताया था, ये एनएवी अभी इसका चल रहा है 25.62। अब यहाँ पर अगर मुझे एसआईपी करना है लेट सपोज 5000 रुपीज की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं यहाँ पर मैं इसको जाके एसआईपी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे लिए एसआईपी का विंडो ओपन कर देगा। ये देखिए ये बोल रहा है कि 5000 रुपीज का आप यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको जो प्लान्स दे रहा है ये एसआईपी के अंदर हम लोगों ने क्लिक किया। यहाँ पर आप वीकली डिपॉजिट कर सकते हैं, 15 डेज के अंदर कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हमारे पास इतने फ्लेक्सिबल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके 5000 का अमाउंट या 1000 की एसआईपी चालू करना है आपको 5000 की करना है। यहाँ पर इनिशियल अमाउंट मिनिमम जो होता है वो 5000 का होगा, और आपको इंस्टॉलमेंट भी अगर 5000 की लेनी है तो यहाँ पर 5000 आप डालें और स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर दें, तो आपका पर मंथ यहाँ से ऑटो डेबिट स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमको कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आरडी का टाइमिंग है वो है 1 सितंबर 2016 से 1 अक्टूबर 2017 तक। तो देखिए टोटल मेरा अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो गया यहाँ पर 60,000 के आसपास हो गया, और मेरा करंट वैल्यूएशन आ रहा है यानी कि 68,000 के आसपास मुझे यहाँ पर करंट वैल्यूएशन दिखा रहा है, यानी कि 60,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था और 8,496 मेरा प्रॉफिट था, जिसमें मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है 14.16। अब ये तो रही बात कि हम लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, बट यहाँ पर आपको लगता होगा कि रिस्क भी इसके साथ में होगी अगर एसआईपी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को हो सकता है कि रिस्क भी जुड़ी होगी इसके साथ में, क्योंकि ये जो है फंड आपका जो है स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटीज के अंदर लगाती है कंपनीज। जब भी हम एसआईपी करते हैं फ्रेंड्स, तो हम मार्केट के किसी भी एक टाइम फ्रेम पर सारा पैसा नहीं लगाते हैं, हम लोग मार्केट के हर एक सिचुएशन, मार्केट की अप डाउन सिचुएशन, मार्केट के सेंटीमेंट जब खराब होंगे तब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट जब हमको बहुत अच्छे मिलेंगे तब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम एवरेज इन्वेस्टमेंट करते हैं ओवरऑल मार्केट के, इसमें हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं एसआईपी के अंदर, तो ये सबसे अच्छी बात होती है एसआईपी के अंदर। अब यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिला है वो लगभग कितना ज़्यादा मिला है आपको, ये आप देखिए 8,500 समथिंग के आसपास आपको रिटर्न मिला है। अब ये जो रिटर्न मिला है आपको ये टैक्स फ्री रिटर्न है, क्योंकि एक साल के बाद आपको मिला है, तो इस पर आपको कोई किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आरडी के ऊपर जो है वो आपका जो भी स्लैब होगी उस पर आपका टैक्सेशन होगा। तो आई होप फ्रेंड कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एसआईपी का, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस के लिए अगर आप बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।